नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रोजाना इन पांच कामों को एक बार करके देखिए, बढ़ने लग जाएगा बैंक बैलेंस। इस दुनिया में हर चीज का संचालन ऊर्जा से होता है, ऐसे में बस जरूरत है अपने भीतर और आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की। वास्तु शास्त्र में ऊर्जा को नियंत्रित करने और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ऐसे कई उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप सुख समृद्धि पा सकते हैं। खुशियों की रंगोली। रंगों को जीवन में सकारात्मकता का संचार करने वाले प्रतीक के रूप में माना जाता है। दिवाली और शुभ अवसरों पर घर के दरवाजों पर रंगोली बनाई जाती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर के दरवाजे पर रंगोली बनाना ना भूलें। हर शाम घर में करें महकता हुआ धुआं। आप अपने घर में धूप कपूर जलाकर इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। कोशिश करें कि महकता हुआ धुआं हर कमरे और कोने कोने में जाए। ऐसा होने से घर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। हर जगह रखें अपना दायां कदम। यह बात अटपटी लग सकती है, लेकिन वास्तु शास्त्र में दाएं पैर को सकारात्मकता ऊर्जा के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आप घर या ऑफिस कहीं भी जाएं, कोशिश करें कि अपना दायां कदम पहले उन जगह पर रखें। पोछा लगाते हुए ध्यान रखें ये बात। पोछा लगाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि पोछे का गंदा पानी कभी भी घर में या बाथरूम में ना डालें। घर की साफ सफाई के बाद ऐसे पानी को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। कोशिश करें कि उस पानी को फिर से अंदर ना लाएं। जानवरों को रोटी दें। कहते हैं कि किसी भी भूखे को रोटी देना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। ऐसे में जानवरों को रोटी देने से घर में सकारात्मकता का वास होता है। कोशिश करें कि घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी और घर के बाहर जानवरों के लिए पानी रख दें। यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।